देखिए हम तो प्रयास करते हैं किसी ने विवाह करा देंगे, हमको एक लड़का है या तो उसका दिमाग आरती का होगा छोटू के भाई से शादी। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना है, आरती का होगा छोटू के भाई से शादी, जिनका नाम है मन्नू जी। आप सबको बता दूं कि वीडियो देखने से पहले एक मिनट भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा वीडियो दिखाऊंगा उनके पिता ने क्या बयान दिए हैं आरती को शादी को लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम तो प्रयास करते हैं किसी ने विवाह करा देंगे, हमको एक लड़का है या तो उसका दिमाग पर है। ऐसी खबरें चल रही थी कि आपके जो दूसरे बेटे हैं उनसे उनकी शादी की बात हो सकती है। हो सकती है, आरती पे डिपेंड करता है। हाँ, उनके ऊपर, लेकिन वो लड़का का जो मेरा आज का दिन उनका शादी होता जी, तब उसके दिमाग पर बात है, वो क्या करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना, छोटू जी के पिता तैयार है वो अपने दूसरे बेटे के साथ आरती का शादी करने के लिए जी। लेकिन अब उनका मानना है, उनका कहना है कि अब आरती तैयार होगी, तब आरती का पसंद होगा, तभी मैं करूंगा अपने दूसरे बेटे से आरती का शादी जी। तो आप लोग को क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और छोटू को किसने किसने मारा है उनका पिता बता ही दिए जी। तो चलिए पहले आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप लोग से बातचीत करते हैं। इनका पूरा वाक्य बताओगे, आपके बेटे को मारने में किन किन लोगों का हाथ है? उनमें हाथ है उनका पिता धीरेन यादव, भाई रविकांत यादव, भाभी उसका जो है रूबी देवी, और उसका बहनई था पवन यादव, मिथिलेश यादव, और भाई का सलामित चंदन यादव, अरुण यादव, निर्भय यादव, ये सब मिल करके जो है। अरुण यादव, निर्भय यादव कौन? वो रिश्तेदार है। अच्छा, जैसा कि आप लोगों ने सुना, छोटू के पिताजी बताएं कि उनका भाभी, उनका बहनोई, उनका भाई, उनका पिता, मतलब सभी के हाथ है लगभग लगभग। तो आप सबको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आखिर सच्चाई पता चल ही गया कि छोटू को किसने मारा है। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए कि सभी दर्शक के पास चला जाए और सभी भाई लोग को ये पता चल जाए कि आरती का हो सकता है मोनू के भाई से शादी जी।